जय शुभ बच्चों, आज हम हमारा 12वां पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पुरोहिताई द्वारा प्रेतिक कार्य। और इस 12वें पाठ को पढ़ने के पहले हम परमेश्वर से कृपा की याचना करें और उसके पवित्र आत्मा के वरदानों को प्राप्त कर हम इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़ें और समझें। तो आइए हम हाथ जोड़कर यह पवित्र आत्मा का गीत सुनकर सब लोग भक्ति भाव से इसमें भाग लें। तो बच्चों, आज का यह 12वां पाठ पढ़ने के पहले हम हमारे 11वें पाठ को रिवाइज करेंगे। हाँ, तो बताइए क्या था पिछले पाठ का टाइटल, याद है आपको? पिछले बार हमने 11वां पाठ पढ़ा जिसमें हम परिवार द्वारा प्रेतिक कार्यों के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। पारिवारिक द्वारा जीवन द्वारा प्रेरिताई, और इस पारिवारिक जीवन द्वारा प्रेरिताई में हमने परिवार के महत्व को समझा। ये परिवार ईश्वर द्वारा स्थापित है, परिवार एक प्रेतिक समूह है, परिवार वचन की घोषणा वेदी है, परिवार में ख्रिस्तीय विश्वास के परिवार ख्रिस्तीय विश्वास का गुरुकुल है, विश्वास के प्रशिक्षण का गुरुकुल है। और फिर हमने पढ़ा परिवार के प्रेतिक कार्यों के मार्ग। तो आइए आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे, लेकिन एक प्रश्न और भी पूछना है मुझे। क्या आपने बताए हुए होमवर्क को पूरा किया? क्या आपने बाइबल पढ़ा है, वह भाग जो मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था? और क्या आपको आपका डिसीशन याद है कि आपने क्या डिसाइड किया था 11वें पाठ को पढ़ने के बाद? मुझे यकीन है आप सब ने सब कुछ अच्छी तरीके से किया है, क्योंकि आप सब अच्छे बच्चे हैं, है ना। तो चलो बच्चों, अब हम हमारे 12वें पाठ की ओर बढ़ते हैं जिसका टाइटल है पुरोहिताई जीवन द्वारा प्रेरिताई। तो चलिए सबसे पहले हम हमारा मन कुछ बाइबल के वचनों की तरह की ओर बढ़ाए। सलीब पर अर्पित यीशु के बलिदान के बारे में इब्रानियों के नाम पत्र में इस प्रकार लिखा है, वह युग के अंत में एक बार प्रकट होगा जिससे वह आत्म बलिदान द्वारा पापों को मिटा सके। वह अंत में एक ही बार प्रकट होगा जिससे वह आत्म बलिदान द्वारा पापों को मिटा सके। प्रभु ईसा मसीह ने इस संसार में आकर यह कहा, तूने न तो यज्ञ चाहा ना चढ़ावा, तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार कर रखा है। ईसा ने क्या कहा संसार में आने के बाद में? तूने न तो यत्न चाहा न कि चढ़ावा, बल्कि तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार कर रखा है। हर एक दूसरा पुरोहित रोज धर्म अनुष्ठान करता है और बार बार एक ही बलिदान चढ़ाता है जो पाप हरने में असमर्थ है, किंतु प्रभु ईसा मसीह एक ही बार अपने जीवन द्वारा आत्म बलिदान चढ़ाकर हमारे पापों के लिए बलिदान चढ़ाकर सदा के लिए पिता के दाहिने विराजमान हैं। प्रभु ईसा मसीह जो पिता द्वारा भेजे गए थे, उन्होंने अपने जीवन की आहुति देकर इस बलिदान को पूरा किया है और सलीब पर उनकी मृत्यु द्वारा उन्होंने पिता ईश्वर के प्रेम को प्रकट किया है। इस तरह प्रभु ईसा मसीह
सर्वश्रेष्ठ पुरोहित हैं जो अपने जीवन द्वारा हमारे लिए बलिदान चढ़ाते हैं। प्रभु ईसा मसीह एक ऐसे पुरोहित हैं जो स्वयं बलिदान भी चढ़ाते हैं और स्वयं ही चढ़ावा भी है। हम देखते हैं कि जो अन्य पुरोहित हैं जो चढ़ावा चढ़ाते हैं वे बलि चढ़ाते हैं, तो बलि चढ़ाने के लिए वे कुछ वस्तुओं को लेकर उन वस्तुओं को अर्पित करते हैं परमेश्वर से आशीष मांगने के लिए। जैसे हम देखते हैं कहीं कहीं पर बकरा काटते हुए वे बलिदान चढ़ाते हैं या कुछ पूजा की वस्तु देकर वे बलिदान चढ़ाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु ईसा मसीह एक ऐसे पुरोहित हैं जो स्वयं बलिदान चढ़ाते हैं और स्वयं की बलि चढ़ाते हैं। खुद को उन्होंने क्रूस पर बलिदान देते हुए सर्वश्रेष्ठ बलि का हमें आदर्श दिया है। तो पुरोहित का सबसे प्रथम दौत्य है अपने जीवन द्वारा बलिदान, अपने जीवन की बलि चढ़ाना। ये हर एक पुरोहित का सर्वश्रेष्ठ गुण है। क्या है? अपने जीवन द्वारा, अपने जीवन की बलि द्वारा बलिदान चढ़ाना। प्रभु ईसा मसीह एक ही पुरोहित है और हम सब लोग इसी एक पुरोहिताई में भागीदारी लेते हैं। There is only one priest, that is Jesus. ईसा मसीह ही एक ही पुरोहित है और अन्य सभी लोग इस पुरोहिताई में भाग लेते हैं। हमारे ज्ञान स्नान और दृढ़ीकरण द्वारा हम सब लोग इस पुरोहिताई में भाग लेते हैं और इस पुरोहिताई को जीने के लिए बुलाए गए हैं। किंतु परमेश्वर कुछ लोगों को विशेष रूप से चुन लेता है और उन्हें यह जो पुरोहिताई प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं विशेष पुरोहिताई। हम सब लोग को जो पुरोहिताई प्राप्त है वह हमारे बैप्टिसम और कन्फर्मेशन, ज्ञान स्नान और दृढ़ीकरण संस्कार द्वारा हर एक ईसाई पुरोहिताई में भाग लेता है। लेकिन कुछ लोगों को जो परमेश्वर चुन लेते हैं अपनी सेवा कार्य जारी रखने के लिए, उन्हें यह विशेष पुरोहिताई प्राप्त है जिसे हम मिनिस्टीरियल प्रिस्टहुड भी कहते हैं। समस्त ईसाई ईसा के शिष्यत्व में भाग लेने के लिए बुलाए गए हैं, किंतु जिन्हें पुरोहिता की बुलाहट प्राप्त है वे इस शिष्यत्व को और भी अधिक गहरे रूप से अनुभव करते हुए इसे जीने के लिए बुलाए गए हैं। प्रभु की बुलाहट इसमें है। प्रभु कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 16, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु परमेश्वर हर एक को अपनी इच्छा के अनुसार अपने कार्य के लिए बुलाता है। जिस ईश्वर ने उन्हें बुलाया है उस ईश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित होकर अपने दौत्य को उत्तरदायित्व के साथ पूरा करना है हर एक पुरोहित की जिम्मेदारी। इसीलिए हर एक पुरोहित अपने पूरे जीवन को परमेश्वर को समर्पित करते हुए परमेश्वर के दिए हुए उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए वचन से बाध्य है। वचन उन्हें बाध्य करता है कि जिस परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है उस परमेश्वर को वो पूर्ण रूप से समर्पित रहे। पुरोहित अपने इन दौत्य को इन तीन विशेष कार्यों के जरिए निभाते हैं। पुरोहिताई का पद एवं कर्तव्य। शुश्रूषा पुरोहिताई की पूर्णता ईसा मसीह ने अपने प्रेरितों द्वारा धर्माध्यक्ष को प्रदान की है और सभी पुरोहितगण धर्माध्यक्ष के सहयोग से काम करते हैं और सब उनके सहयोगी हैं। ईसा मसीह कलीसिया के चरवाहा है और कलीसिया उनके आध्यात्मिक शरीर है और इस आध्यात्मिक शरीर का शीर्ष या सिर है प्रभु ईसा मसीह। ईसा मसीह के साथ वचन की घोषणा करने के लिए, संस्कारों का अनुष्ठान करने के लिए और ईश्वर की जनता की अगुवाई करने के लिए वे बुलाए गए हैं। कलीसिया जो प्रभु ईसा मसीह का शरीर है, इसके निर्माण के लिए वे ईसा मसीह के तीनों दौत्य मतलब पढ़ाना, पवित्र करना और अगुवाई करना
इसमें सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और इसीलिए वे प्रभु ईसा मसीह के पुरोहिताई में भाग लेते हुए वे ईसा मसीह के कार्यों को जारी रखते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं और विश्वास करते हैं कि हमें एक ही पुरोहित है ईसा मसीह, जिन्हें हम नित्य पुरोहित कहते हैं। प्रवचन शुश्रूषा द्वारा याजकीय शुश्रूषा का केंद्र बिंदु है वचन की घोषणा। प्रभु ईसा मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद स्वर्गारोहण के पहले अपने शिष्यों को एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज्ञा देते हैं, जिसे हम द मिशन मैंडेट कहते हैं। और हम कहाँ पाते हैं इस आज्ञा को या मिशन मैंडेट को? संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 19 से 20 तक, जहाँ हम पढ़ते हैं कि अपने स्वर्गारोहण के पहले प्रभु ईसा मसीह, जो पुनर्जित ईसा मसीह है, वे अपने शिष्यों को यह आदेश देते हैं। वे कहते हैं, तुम सब राष्ट्रों में जाकर सबको मेरे शिष्य बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो, और जो जो आदेश मैंने तुम्हें दिए हैं उसका पालन करना और उन्हें सिखलाना। फिर एक बार हम सुनेंगे कि यह मिशन मैंडेट क्या है। तुम सब राष्ट्रों में जाकर मेरे शिष्य बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो, और जो जो आदेश मैंने तुम्हें दिए हैं तुम उसका पालन करना और उन्हें सिखलाना। शिष्यों की यह दृढ़ धारणा थी कि वे वचन की घोषणा के लिए ही बुलाए गए हैं और प्रभु मसीह के वचन की घोषणा करना ही उनका सबसे महत्वपूर्ण दायित्व या कर्तव्य है। और इसलिए जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हमें यह दिखाई देता है कि कैसे जब उनके बहुत सारे काम बढ़ गए, मतलब उनकी शुश्रूषा में अनेक कार्य आने के बाद जब उन्हें वचन की घोषणा करने का समय कम पड़ने लगा, तब उन्होंने कुछ ठोस कदम उठाए। हम देखते हैं कि इन प्रार्थना सभाओं में और जो प्रार्थना शुश्रूषाएं थी, वहां पर जब सब लोग एकत्र आते थे तब वे वचन सुनते थे और साथ में वे प्रीति भोज में या प्रभु भोज में भाग भी लिया करते थे, जहां वे हर एक अपने अपने घर से रोटी लाते और फिर इसे आशीष की प्रार्थना के बाद में एक दूसरे के साथ बांटकर खाते थे। और यह रोटी भी इन प्रेरितों द्वारा परोसी जाती थी। लेकिन उन्हें यह लगा कि रोटी बांटने में या रोटी परोसने में उन्हें ज्यादा समय लग रहा है और इसलिए वे वचन की घोषणा की ओर अधिक या उचित ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और इस समस्या का हल करने के लिए उन्होंने उपयाजकों की स्थापना की, उपयाजकों को नियुक्त किया जो इन कार्यों में ध्यान दे और इससे इन प्रेरितों को वचन की घोषणा करने में अधिक समय मिले। इससे यह स्पष्ट होता है बच्चों कि कितना महत्वपूर्ण था वचन की घोषणा करना। और प्रेरित लोग जो प्रभु के द्वारा नियुक्त किए गए थे, उन्होंने प्रभु के वचन की घोषणा करने के लिए कितना महत्वपूर्ण ध्यान दिया। वचन की घोषणा के साथ साथ पुरोहित लोग अपने स्वयं के जीवन में इस वचन को उतारना और इसे अपने जीवन द्वारा दूसरों को सिखाने के लिए भी विशेष ध्यान देते हैं या देना चाहिए, क्योंकि जो हम बोलते हैं, जिसकी हम व्याख्या करते हैं, प्रवचन करते हैं, उसे हम जब हमारे जीवन द्वारा प्रस्तुत करते हैं, तभी देखने वाले को और सुनने वालों को हमारे वचन के मूल्य समझ आते हैं। बच्चों, हम देखते हैं कि कैसे प्रेरित चरित्र और अन्य पत्र में प्रभु ईसा मसीह के शिष्य जब शुश्रूषा करते थे तो उनके द्वारा स्थापित कलीसिया में जब कोई प्रॉब्लम उत्पन्न हुआ तो उनका हल भी निकालने के लिए ये नियुक्त व्यक्ति या पुरोहित गण बहुत ही तत्पर थे। हम देखते हैं कि संत पौलुस के द्वारा स्थापित कुरिन्थ की कलीसिया में जब फूट पड़ गई थी, तब उन्होंने अपने पत्र द्वारा उन्हें उनकी गलतियां सुधारने का मौका दिया और उनकी गलतियों को सुधारने के लिए उन्हें परामर्श दिया। साथ ही साथ जब वे प्रभु भोज में ठीक रीति से भाग नहीं लेते थे और रोटी मिलने के लिए भागदौड़ करते थे, झगड़ते थे, तब भी प्रभु मसीह की कलीसिया को अच्छी तरह से संभालने की कोशिश में और उनके उनके
बीच में अच्छा डिसिप्लिन लगाने के लिए और उनको जो भी कार्य वे करते हैं प्रार्थना द्वारा उसका सही मतलब समझाने के लिए, उन्होंने उनकी गलतियां सुधारने के लिए अपने पत्र में प्रभु भोज में किस तरीके से योग्य रीति से हम भाग लेने चाहिए इसके बारे में लिखा और उनकी गलतियों को सुधारा। तो कलीसिया जब किसी गलत राह पर चलती है, उनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसे हल करने का नेतृत्व भी पुरोहित कर लेते हैं। प्रभु ईसा मसीह के वचन को दूसरों तक फैलाना और उस वचन को इस तरह पेश करना है जिससे सुनने वालों में आनंद प्रदान हो। तो चलो बच्चों, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन समाप्त करने के पहले आपको एक होमवर्क तो जरूर देना पड़ेगा, है ना? तो आज के होमवर्क के लिए मैं आपको एक छोटा सा एक्टिविटी देती हूँ, जिसे आप आपके फ्रेंड्स के साथ में मिलकर भी कर सकते हैं, आपके परिवार में मिलकर कर सकते हैं, या फिर आप पर्सनल भी कर सकते हैं। तो आपको करना ये है, आप थोड़ी देर शांत बैठिए और आपके मन में यह विचार लाइए, एक पुरोहित, यदि आप एक पुरोहित बनेंगे तो आप अपने आप में कौन कौन से गुण लाना चाहेंगे, या आप एक पुरोहित में कौन कौन से गुण देखना चाहते हैं, इसके ऊपर आप चर्चा कीजिए। और चर्चा करने के बाद इन विशेष गुण जो आप एक पुरोहित में देखना चाहते हैं, या अपने आप में जब आप एक पुरोहित बनेंगे, तो इन गुणों को एक बुक में या एक पेपर पर लिख लीजिए, ठीक है? तो आज हमने अपने क्लास में क्या क्या पढ़ा याद है? आज हम पुरोहिताई द्वारा प्रेरिताई, इनके इस पाठ में हम पुरोहित के बारे में पढ़ रहे हैं कि पुरोहित का पद क्या है कलीसिया में, और फिर पुरोहित के कर्तव्य क्या है, और जो पुरोहिताई की सबसे महत्वपूर्ण दौत्य या कर्तव्य है वचन की घोषणा, उस वचन की घोषणा के बारे में अब तक हमने पढ़ा है। तो फिर एक बार आप ये क्लास देखिए, इसे रिवाइज कीजिए, और मैंने जो आपको होमवर्क दिया है उसे करना मत भूलिए। क्या करना है आपको? एक पुरोहित के जीवन में आप कौन कौन से गुण देखना चाहते हैं, ये चाहिए तो आप अपने फैमिली में डिस्कस कर सकते हैं, या फिर फ्रेंड्स के साथ, या फिर स्वयं बैठकर अपने आप को शांति से बैठकर एक, यदि आप एक पुरोहित बनेंगे तो आप अपने में कौन कौन से गुण देखना चाहते हैं, या आपको पसंद आने वाले पुरोहित में आप कौन कौन से गुण देखना चाहते हैं, तो इसे इस पर चर्चा कीजिए, मनन चिंतन कीजिए और इस होमवर्क को जरूर पूरा कीजिए। तो आइए अब हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए इस क्लास को समाप्त करें। हे प्यारे प्रभु यीशु, नित्य पुरोहित, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने जीवन के बलिदान द्वारा हमारे लिए पापों की मुक्ति हासिल की है, और आपने हमें अकेला न छोड़ते हुए आपके स्वर्गारोहण के बाद अपने द्वारा नियुक्त किए हुए पुरोहितों के हाथों से हमारे जीवन में आज तक अनेक आशीष बरसाए हैं। हे प्रभु, हम सारे पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें यह कृपा दीजिए कि वे आपके मार्गों पर चलकर एक पवित्र जीवन बिताते हुए वचन की शुश्रूषा द्वारा सब लोगों को आपकी ओर ले आए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।